अच्छा जी, मुझे गैर मुल्की नंबर से मैसेज आता है कि आपका टोयोटा करोला कार 25 मॉडल और 10 लाख रुपए आपका निकला है। वो कैसे निकला है? हमने कुरानदाजी की थी आपके इस नंबर की, ठीक है ना, तो आपका इसलिए निकला है। हालांकि किसी ने कुछ भी नहीं किया होता, बस ये ना उल्लू बनाते हैं, ठीक है ना, जो होते हैं बेचारे लालची होते हैं, या फिर कह सकते हैं अनपढ़ होते हैं, जिनको इतना इल्म नहीं होता, उनको ये उल्लू बनाते हैं। हालांकि ये अच्छा पैसा निकालते हैं इस काम से, ठीक है। तो मुझे पहले भी इस तरह के ना मैसेज काफ़ी आते रहे हैं। पहले तो मैसेज आता था सिम पे, उसका क्या कहते हैं, बेनज़ीर वालों का। अब सिम पे इतने ना कम मैसेज आते हैं, अब ज़्यादातर ना ये व्हाट्सएप पर कर रहे हैं। हालांकि जो बंदा इस्तेमाल कर रहा है एंड्रॉयड फ़ोन, टच मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, वो ज़्यादातर अनपढ़ भी कह सकते हैं, ज़्यादातर वही कर रहे हैं जिनको सूझ बूझ होती है, वही ये ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अब ये उनको उल्लू बना रहे हैं, ठीक है ना, ये लालच दे के आपकी 25 मॉडल करोला टोयोटा कार निकली है और आपका 10 लाख रुपए निकला है। तो नंबर इसने दिया हुआ नीचे जो व्हाट्सएप का, कि वीडियो में यही बताया गया कि आपका ये ऐसे ऐसे इनाम निकला है, अगर आप ये इनाम हासिल करना चाहती हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, कॉल करें। तो मैंने 2-3 दफ़ा इसी नंबर पर कॉल किया है आपको, देखते हैं दिखाते हैं क्या बना है। अभी मैंने 3-4 मरतबा कॉल की ना, वो ना मतलब कि उनका नेट ऑनलाइन था लेकिन उसने कॉल नहीं उठाई, ठीक है ना। वो इसलिए नहीं उठाते कि पहली कॉल में उठा लें, वो कि आम बंदा यही समझेगा यार ये इतने फ्री हैं, हमारी कॉल का इंतज़ार कर रहे थे, वो जानबूझकर कॉल नहीं उठाते थे। जो मुझे मैसेज मौसूल होता जिस नंबर से, गैर मुल्की नंबर से, मैंने उसी पर दोबारा कॉल की तो उसने ना पहली कॉल ही उठा ली। जब मैंने उससे बात की कि भाई जान उससे उसका नंबर नहीं वो उठा रहे ये वो, तो वो मैं आपको सुनाता हूँ अभी। हेलो। अच्छा भाई जान, मुझे अभी आपकी इस नंबर से मैसेज आया कि मेरा इनाम निकला है टोयोटा करोला कार और 10 लाख रुपए का। जी भाई, वो हमने कैसे हासिल करना है? भाई हम उस पे कॉल भी कर रहे हैं, मैसेज भी कर रहे हैं, वो जवाब नहीं दे रहा है। ये ना हो कि हमारा या जो इनाम है वो मिस हो जाए। यार कोई और नंबर बता दे जो कॉल उठा ले या मैसेज का जवाब दे दे। अच्छा, वैसे कॉल करूं सिम पे? ठीक है, अगर वो ना जवाब दें आप कुछ कर सकते हैं? आप सिफारिश कर दें यार हमारी। अच्छा जी, ओके ब्रदर, ओके। जब मैंने उसे कॉल की तो उसने ये कहा कि भाई जो आप मैंने आपको नंबर अभी सेंड किया है ना, जो वीडियो में लिखा हुआ है, आप ऐसा करें उस पे कॉल करें। मैंने कहा भाई मैं उस पे कई बार कॉले कर चुका हूँ, वो कॉल नहीं उठा रहे मेरी। तो उसने ये कहा कि भाई वो मसरूफ़ होते हैं ज़्यादातर, ठीक है ना, अगर वो व्हाट्सएप पे नहीं कॉल कर आपकी उठा रहे तो आप ऐसा करें आप सिम पे कॉल कर लें। तो मैंने कहा भाई आप मेहरबानी करें सिफारिश कर दें, ठीक है ना, मेरे नाम इस ना हो जाए तो आप ऐसा करें मेरा उससे रब्ता करवा दें। उसने कहा कि भाई आप सिम पे कॉल कर लें। जब हम सिम पे से कॉल करेंगे ना, फ़ायदा कोई भी नहीं है इसका, ठीक है ना, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अगर इतने अच्छे हों तो बंदा ये ना कहेगा भाई आधे पैसे आप रख लो दें, आधे हमें दे दो, ठीक है ना। तो कॉल करने के बाद ये यही कहेगा भाई आपका लॉटरी नंबर बताएं, लॉटरी नंबर बता दिया, फिर कहेगा भाई कुछ मिनट वेट करें, आधे घंटे बाद दोबारा कॉल करें, दोबारा कॉल करेंगे, ठीक है ना। ये पहले मैं कर चुका हूँ एक्सपीरियंस, ठीक है ना, बेनज़ीर वालों पे। ये वही बंदे होते हैं बेनज़ीर वाले, जो अब इन्होंने टॉपिक चेंज कर दिया, वो अब मतलब कि ज़्यादा मशहूर हो चुकी है बेनज़ीर वाला प्रोग्राम है। मांगेंगे आईडी कार्ड की कॉपी, ठीक है ना, आईडी कार्ड की कॉपी कह लें, या फिर ये आईडी कार्ड की फ़ोटो मांगेंगे आपसे दोनों साइड की, ठीक है ना। वो उसका गलत यूज़ भी कर सकते हैं ये, ठीक है ना। उसके बाद फिर ये सारा कुछ करने के बाद फिर थोड़ा सा तंग भी करेंगे, कहेंगे आधे घंटे बाद कर लें कॉल, घंटे बाद कॉल कर लें। वो इसलिए कहेंगे इनको शक ना हो जाए हम इतने फ्री बैठे होंगे, हालांकि ये फ्री बैठे होते हैं, कोई ना कोई ताड़ी ताड़ में होते हैं, कोई ना कोई कॉल आए हम उसे चक्कर दें। तो इसके बाद फिर ये कहेंगे भाई बिल्कुल आपका लॉटरी हमारे पास आ चुका है, वाकई आपने ये आपकी लॉटरी निकली हुई है हमारे पास, इतने इतने हमारे पैसे हैं, अब कुछ हासिल करने के लिए आपको इतना टैक्स पे करना पड़ेगा। पहले ये आपसे पैसे मांगेंगे कि
आपने 10 लाख के कैसे मंगवाना है, आप कहेंगे भाई हमें बैंक अकाउंट में दे दें या ऐसे कर दें या कहेंगे आप खुद लेने आ जाएं, फिर ना किसी तरीके से आपको चक्कर देंगे, ठीक है ना, ऐसा चक्कर देंगे कि बंदा ना पागल हो जाएगा वाकई में, यार पैसे निकले हुए हैं, ये बड़े फ्रॉडी होते हैं ये ना, इनको डीलिंग आती है, ठीक है ना, जैसे ये करते हैं। फिर ये आपसे मांगेंगे भाई कि हमारे पास जो हमारी गाड़ी है, ठीक है ना, वो निकली है, उसके बारे में हम कैसे आपसे लेंगे, और फिर कहें कि आपकी गाड़ी हम ऐसे नहीं दे सकते, उसकी नंबर प्लेट लगेगी, उस पर खर्चा आएगा, ये होगा वो होगा, है ना, इसी तरीके से ना बहुत ये फ्रॉड फोन करते हैं। तो इसलिए वीडियो बनाने का मकसद यही है कि भाई मैं तो करोड़पति बन चुका हूँ, आप इनसे बचिए, ठीक है ना, आप ना कहीं करोड़पति बन जाइएगा। तो इन जो ऐसे मैसेज आएँ इग्नोर करें, ठीक है ना, पहली बात जो इसे ना ब्लॉक कर दिया करें, ठीक है ना, ये पहले सिम पे मैसेज करते थे, सिम पर लोगों ने बहुत सी इनके साथ ना ये फ्रॉड पूने किए हैं लोगों के साथ इन्होंने, ठीक है ना, ये फिर सिम पे कम भी मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप भी शुरू हो चुके हैं, बोल वालों ने ये कर दिया, बोल वालों ने इतने पैसे कर दिए, गाड़ी निकले, ये वो। वीडियो बनाने का मकसद यही है, इन लोगों से बचा जाए, ठीक है ना, जो मैसेज आते हैं उसे इग्नोर किया जाए, डिलीट कर दिया जाए, ठीक है ना, ऐसे मैसेज दोबारा आप जैसे रिप्लाई करेंगे आपको जो उन्हें फंसाएँगे, ठीक है ना, और फ़ायदा कोई भी नहीं, मिलना आपको 1 रुपया भी नहीं है। तो बाकी आप इन्हें इनसे दगाबाजों से फ्रॉडियों से स्कैमरों से बचना है, तो